हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 26 फरवरी 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़े की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूज़ रहेगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, स्टेट रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, अन्यथा आप यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी सीखना नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अब जो भी आपकी सक्सेस है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, चाहे आप हैं या हम हैं, कोई भी है, सबके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है हमारे पास, तो वो अवश्य हम पूरा कर लेंगे। अगर हमें ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, तो वो वाकई में नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है, आपके ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आपके ऊपर आत्मविश्वास रखना है, और ठान लेना है कि हमें सक्सेस होना ही है, तो आप निश्चित रूप एंड सक्सेस हो जाएंगे। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 24 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड के दौरान सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन सा है, तो वो रहा था CISF का। अगर झांकी की पूछी जाएगी तो आप तुरंत बता देंगे, जो असम की झांकी थी उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में राजकोषीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चीन से भी आगे पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कंपनी कौन सी है जो भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन के साथ भागीदारी कर रही है ताकि विकलांग युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए मदद मिल सके, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड SBI बैंक ने क्या किया है, कोलैब किया है, तो जिससे क्या होगा, जो विकलांग हैं उनके लिए अवसर पैदा हो जाएंगे रोजगार के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI की बात है तो SBI की जो MD एंड CEO है वो है रजनीश कुमार जी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च से 5 अप्रैल 2020 तक होने वाले पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का मेजबान कौन सा राज्य है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये भारत का एक राज्य है, सभी को पता होगा, कांगड़ा जिले की बीर विलिंग शहर में ये होगा, और ये 31 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा, 5 अप्रैल तक चलेगा 2020 का पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा कि पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का मेजबान कौन सा राज्य रहा है, या देश पूछा जाएगा तो भारत, राज्य पूछा जाएगा तो भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारत में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक वेब फॉर्म प्रस्तुत कर दिया है, यह सभी कंपनी निगमन के लिए लागू होगा, तो इस फॉर्म का नाम आपको इसी तरह एज इट इज याद रखना है, SPICE+। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्ति विशेष से रहेगा, बस 2019-20 के लिए कर्नाटक की अवक्का पुरस्कार की विजेता कौन बनी है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अवक्का पुरस्कार कौन से राज्य द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर पूछ लिया जाए किसको प्राप्त हुआ है ये, तो लेखिका उषा पी राय और खिलाड़ी श्रीमा प्रियदर्शनी को अवक्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019-20 के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में खेले गए 34वें कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं, तो ये बने हैं ग्रैंड मास्टर डिक मुकेश, और ये 13 वर्ष के हैं। अब सोचिए, एक 13 वर्ष का बच्चा विजेता बन रहा है शतरंज का, अब हम लोग खुद सोच लीजिए हम लोग किस स्तर पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा का मेजबान देश कौन रहेगा, तो वो रहेंगे भारत, और ये होगा कहाँ पर, भारत के अंदर चंडीगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन अन्ना बास्ती दीवाने दीवेना योजना शुरू की है, जिसके तहत ITI पॉलिटेक्निक स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में के छात्रों को रहने और खाने के खर्चों को पूरा करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो जगन अन्ना बास्ती दीवेना योजना का नाम आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। और क्यों है, जो भी ग्रेजुएट
पोस्ट ग्रेजुएट और पॉलिटेक्निक आईटीआई के छात्र हैं, उनके लिए रहने के लिए और खर्चे, उनके खाने के खर्चे को पूरा करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ओके, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश की तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ी तैयार की गई है? तो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ी तैयार की गई है, इसमें क्या होगा, तमिलनाडु राज्य और जम्मू कश्मीर, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र शासित प्रदेश की तमिल, मतलब अब केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई तो जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर को पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वीडियो वॉच कीजिए एंड तक, आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एक राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामनिवास गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के तुलवा रानी जो पोर्टुगीज से लड़ी थी की याद में अवक्का उत्सव 29 फरवरी से 1 मार्च 2020 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था, लाल मतलब कहाँ किया जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी अभी आई नहीं है, 26 है, 29 से 1 मार्च तक ये अवक्का जो उत्सव है ये उल्लाल कर्नाटक में किया जाएगा। अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जब अवक्का पुरस्कार जो कर्नाटक में दिया गया है तो इसका उत्सव भी कर्नाटक में ही होगा, ठीक है, कर्नाटक के उल्लाल नामक स्थान पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि वनस्पति से व्युत्पन्न क्रिस्टल को सुपर ग्लू में विकसित किया जा सकता है जिसमें 90 किलोग्राम का वजन संभालने की पर्याप्त शक्ति होगी? तो अल्टो विश्वविद्यालय जो कि फिनलैंड का एक विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये बताया है कि वनस्पति से व्युत्पन्न क्रिस्टल को सुपर ग्लू में विकसित किया जा सकता है जिसमें 90 किलोग्राम तक वजन संभालने की पर्याप्त शक्ति होगी। और ये बात किसने कही है, तो ये अल्टो विश्वविद्यालय ने कही जो कि फिनलैंड का, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी होती है और करेंसी अगर पूछी जाएगी तो यूरो होती है। अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है। राष्ट्रमंडल महासंघ CGF की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1932 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की स्थापना कब हुई, 1932 में। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे लंदन में, इंग्लैंड में, ओके। पैराग्लाइडिंग विश्व चषक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मोरलेस फ्रांस में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI की स्थापना, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ओके। निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला शुल्क जो बिक्री के बजाय निर्माण के समय लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्पाद शुल्क। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला शुल्क जो बिक्री के बजाय निर्माण के समय लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्पाद शुल्क, ठीक है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज की। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है कि आप अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको तुरंत से मिल जाएंगी, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, ओके। एंड आप अगर हमारे फेसबुक इंस्टा पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो और टिकटॉक ऐप भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेलीमोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपको वहाँ पे फॉलो करना ही है और सुनना भी है। खबरी ऐप पर आप जाइए, वहाँ से आपको सारी न्यूज़ की रिवीजन के तौर पर ऑडियो मिल जाएगी, वो ऑडियो आप सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो यहाँ देखिए, वहाँ से ऑडियो सुनिए, तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी और ज़्यादा अप हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करेंगे ही और सुनेंगे भी वहाँ, ठीक है। और हर जगह आपको अगर अकाउंट सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा तैयारी बिगिनर्स की, ओके। तो अब बात कर लेंगे न्यूज़ की। मेघालय में पृथ्वी पर सबसे बड़ी केव फिश की खोज की गई है। मेघालय एक भारत का राज्य है जिसमें क्या है कि सबसे बड़ी केव फिश की खोज की गई है। अब ये एक नई तरह की केव फिश है जो लुप्त प्राय माहेश्वर प्रजातियों की शरीर रचना विज्ञान के समान है। पिछले फरवरी में मेघालय में खोज की गई थी, ठीक है। अब मेघालय की बात हो रही है तो मेघालय के बारे में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल क्या होती है? मेघालय की कैपिटल होती है शिलोंग, ये तो सभी को पता है,
ठीक है। मेघालय की कैपिटल क्या होती है? शिलोंग होती है। अगर मेघालय का उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो मेघालय का उच्च न्यायालय भी शिलोंग में है। अगर ज़िले पूछे जाएंगे तो मेघालय के अंदर जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं 11। अगर वहाँ पे विधानमंडल पूछी जाएगी तो वहाँ की विधानमंडल है 1 सदनात्मक। ओके, अब यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो है 60। और अगर पूछी जाए लोकसभा की सीट कितनी है तो 2 हैं, और राज्यसभा की सीट पूछी जाएगी तो 1 है। तो आपको क्या रखना है, 11, 1, 2, ठीक है। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 2 है, 1 है। ओके, एंड अगर वन्यजीव विहार पूछे जाए मेघालय की, तो नागल खिलेम और सीजू जो वन्यजीव विहार हैं वो आपको मेघालय के अंदर मिल जाएंगे। नदियाँ वहाँ पे बहुत सारी हैं, और वहाँ की मुख्य भाषाएँ आपको याद रखनी है, खासी, गारो और अंग्रेजी, ठीक है। इसी तरह गारो खासी जयंती वहाँ की पर्वत भी हैं, ठीक है। और सॉरी, गारो खासी जयंती वहाँ के पर्वत हैं, और वहाँ की जनजाति अगर पूछी जाएंगी तो वो भी गारो खासी जयंतियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यभाषा अगर पूछी जाएगी तो खासी और गारो और अंग्रेजी वहाँ की राज्यभाषा हो जाती है, ठीक। और गारो खासी जयंती आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार आया हुआ है। अगर पर्वत शिखर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे शिलोंग और नोकोक जो पर्वत शिखर है वो मेघालय का पर्वत शिखर है, ठीक है। जलप्रपात वहाँ पर बहुत सारे हैं, देखो चेरापूंजी जलप्रपात वो है, और एक है उमिया ख्वाहा एक्कर के एक जलप्रपात है, वो मेघालय के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ का त्यौहार एक मुख्य होता है पावलांग नोग क्रोम, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और गारो जनजाति होती है ना, उसका एक त्यौहार होता है बंगाला, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि विश्व का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है ना मानेश्रम, वो मेघालय में ही स्थित है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को जो है राज्य दिवस मेघालय का मनाया जाता है, 21 जनवरी को, ओके। एंड अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है कभी SSC लेवल पर, कि अगर पूछ लिया जाए कि मेघालय का राजकीय पशु कौन है, तो वो है भालू और बिल्ली। राजकीय पक्षी अगर पूछा जाएगा तो पहाड़ी मैना जो होती है वो मेघालय की राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय पुष्प है लेडी स्लिपर ऑर्किड, और राजकीय वृक्ष वहाँ का है गमारी, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, गमारी टाइप का कह देते हैं, गमार हो तुम तो आप गमारी याद रख लीजिए, मेघालय में क्या है वृक्ष, गमारी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन्हें भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी डिटेल में वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। प्रति वर्ष 24 फरवरी को पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, ताकि देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके, ताकि माल निर्माण व्यवसाय से भ्रष्टाचार को रोका जा सके, साथ ही साथ सर्वोच्चम संभव आबकारी सेवाओं को पूरा करने के लिए अन्य नियमों को लागू कर सके, ठीक है। अब आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही बात है कि केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को। ये सब आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम जल्द ही वन्यजीव अभयारण्य बाघ अभयारण्य हो जाएगा। मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य एक बाघ अभयारण्य जो होने जा रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमोदन से किसी भी समय होने की ये उम्मीद है, ठीक है। अब ये है कहाँ पर, तो ये है तमिलनाडु में। जो MM है उसे जल्द ही मलाई महादेश्वरा, मतलब कि इसका MM का फुल फॉर्म है वन्यजीव अभयारण्य एक बाघ अभयारण्य होने जा रहा है, और ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्घाटन किया गया है। अब सिक्किम की बात हो रही है, तो सिक्किम में 24 फरवरी 2020 को दक्षिण सिक्किम के चेमची में भारतीय हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म इंस्टीट्यूट में एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया, एक राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्घाटन किया गया। अब सिक्किम से क्वेश्चन यही बन जाएगा कि राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया, या भारत के कौन से राज्य में किया गया, तो सिक्किम में। अब सिक्किम के बारे में थोड़ी फैक्ट जान लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल आप सभी को पता होगी गंगटोक होती है, ठीक है। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सिक्किम को मत टोक गंगटोक, ओके। गंगा सिक्किम को मत टोक, तो गंगटोक क्या हो गया, गंगाटोक, ठीक है। ऐसे आपको याद रख सकते हैं। जिले सिक्किम में जो हैं वो हैं 4 हैं।
और अगर विधानमंडल पूछी जाएगी तो वहाँ पर एक सदनात्मक विधानमंडल है, तो विधानसभा की सीटें वो हैं 32 हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सीट जो है एक एक है। तो DLR मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 411। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक लोकसभा और एक राज्यसभा है, ये आपको याद रखना। राजकीय पशु यहाँ का है लाल पांडा, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि लाल पांडा जो है किस राज्य का राजकीय पशु है, तो वो है सिक्किम का, ठीक है। एंड राज्य दिवस अगर पूछा जाएगा तो 16 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है सिक्किम का, और मुख्य भाषा यहाँ पर है लेपचा, भूटिया, हिंदी, नेपाली और लिम्बू, ठीक है। मुख्य जो खनिज है यहाँ के वो है तांबा है, जस्ता है, सीसा, पायराइट, चूना पत्थर और कोयला यहाँ के मुख्य खनिज हो जाते हैं। अगर पर्वत अगर पूछ लिए जाए सिक्किम के, तो आप तुरंत से बता सकते हैं हिमालय पर्वत, छोंकिया और सिंगलीला तथा चोला पर्वत जो है वो आपको सिक्किम के अंदर मिलेगा। नदियाँ अगर पूछी जाएँ तो कई बार नदियाँ पूछी भी गई हैं, तीस्ता रिवर और रंजित रिवर जो है नदियाँ वो आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगी। पर्वत शिखर तो कई बार पूछा गया है, कई बार पर्वत शिखर है सिक्किम का कंचनजंगा, जिसकी जो लंबाई अगर पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 5,579 मीटर, ओके 5,579 मीटर का, ठीक है। अगर दर्रे पूछ लिए जाए सिक्किम से, दर्रे तो कई बार पूछ लिए जाते हैं, दर्रे हैं दचला दर्रा, किंगरीला दर्रा, चोर त्रेन दर्रा, एनशमाला दर्रा, नाटुला दर्रा, जलेपला दर्रा, सिंगलीला दर्रा। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जिस पे ला आ जाता है ना वो आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएगा। देखो जलेपला है, नाटुला है, एनशला है, दचला है, किंगरीला है, सिंगलीला है, चोर त्रेन जो दर्रा है वो आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय वहाँ पर क्या है, तो विश्वविद्यालय मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज है, जो कि गंगटोक में स्थित है, और इसका एडवर्टाइज TV के अंदर बहुत आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का, तो ये आपको याद रखना है। सिक्किम के अगर मूल निवासी पूछे जाएंगे तो लेपचा और भूटिया है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा बाईचुंग भूटिया जी ने पिछले वर्ष एक हमरो सिक्किम करके एक पार्टी बनाई हुई थी, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है सिक्किम को, और फल उद्यान जो होते हैं उनका स्वर्ग भी सिक्किम को ही माना जाता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सिक्किम से जितने भी फैक्ट बन रहे थे वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में 55 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 25 फरवरी 2020 को भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा में 17 राज्यों के 55 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इससे पहले इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। अब राज्यसभा में वन बाई थर्ड हमें हर साल रिटायर्ड होते हैं, तो इसी प्रकार 55 सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। तो इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन आयोग की, ठीक है। तो भारत की निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, ठीक है। और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के संचालन की देखरेख करता है। यह राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान परिषदों, विधानसभाओं और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति चुनाव को नियंत्रण भी करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 105 में चुनाव से संबंधित इन मामलों के लिए आयोग की स्थापना भी करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक आयोग और सदस्य की शक्तियों के कार्यकाल, कार्यपात्रता आदि से संबंधित हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैं बता रही थी ये हमने गलत बोल दिया जल्दी जल्दी में, तो ये यहाँ पर होगा 15, ये सही लिखा हुआ है, हमने 105 बोल दिया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, बिहार संग्रहालय भारत के पहले संग्रहालय द्विवार्षिक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। बिहार संग्रहालय जो कि पटना में है, देश के पहले संग्रहालय द्विवार्षिक की मेज़बानी करेगा। इसमें 14 सार्वजनिक और निजी संग्रहालय के संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, बिहार राज्य की एक परियोजना संग्रहालय द्विवार्षिक की अवधारणा भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में बहुत कम सुनी गई है, जहाँ कला उत्सव और कला मेले अधिक प्रमुख हैं, ठीक है। संग्रहालय बेल नाले इस साल 25 मार्च से 25 जून तक चलेगा। भाग लेने वाले कुछ संग्रहालयों में CSMBS नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, किरण नादर संग्रहालय कला,
दिल्ली, पीरामल संग्रहालय कला मुंबई और बिराटे खालसा आनंदपुर साहिब शामिल है। ठीक है, यह बिहार संग्रहालय वेई नाले का पहला संस्करण है। इसमें केवल भारतीय संस्थानों की सुविधा होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारतीय संग्रहालयों के बारे में नहीं जानते। यह हमारी पहचान, हमारे संग्रह, हमारी अचल संपत्ति को प्रदर्शित करने का अवसर होगा। संग्रहालय वेई नाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और संग्रहालय की गुणवत्ता को देखने के लिए एक शानदार अवसर होगा। संग्रहालय वेई नाले सब कुछ शामिल है, अर्थात आधुनिक पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, अब बिहार में क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट से याद रखना है कि बिहार में जो बिहार संग्रहालय है उसमें पहले संग्रहालय द्विवार्षिक की मेजबानी करने वाला है बिहार। ठीक है, बिहार की कैपिटल आप सभी पता पटना होती है, और वहाँ के CM का नाम है नीतीश कुमार, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं नवनियुक्त हैं तो उनका नाम है फागू चौहान। ओके, और लास्ट 2 डेज हमने बिहार को डिस्कस किया है तो आपको याद भी हो गया होगा। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक देखा होगा, न्यूज़ में भी चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि नमस्ते ट्रंप भारत यात्रा थी, भविष्य के व्यापार के सौदे पर बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी 2020 को भारत आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी आए थे। ठीक है, अब इसके प्रमुख बिंदु आप देख लीजिए। इस यात्रा के साथ भारत ने अमेरिका को $3 बिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि कितनी बातें हो रही थी कि उनके आने से क्या, वो भगवान है, उनसे आने से क्या फ़ायदा होगा, ये वो, तो आप खुद देखिए कितना बेनिफिट हुआ, हमारा भारत कितना मजबूत होते जा रहा है। ठीक है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से PM मोदी द्वारा राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। श्री ट्रंप ने बाद में साबरमती आश्रम और ताजमहल का दौरा भी किया। बाद में नेताओं ने मोटेरा स्टेडियम में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। क्वेश्चन क्या बनेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे उनके आने के लिए एक टैगलाइन बनाई गई थी, तो वो क्या थी, नमस्ते ट्रंप थी। ठीक है, कौन से स्टेडियम में आए थे, अहमदाबाद के मोटेरिया स्टेडियम में उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो सभा में कितने लोग थे, तो 110,000 व्यक्ति थे वहाँ पर उस स्टेडियम में। ओके, यात्रा के दौरान दोनों देशों को और अगर एक भी क्वेश्चन दोनों देशों को हेलीकॉप्टर के लिए 2 रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका दिल्ली में 24 MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए, भारतीय नौसेना के लिए 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए, भारतीय सेना के लिए 2 सौदों पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप जी ने कर दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी भारत आए थे वो किस एरोप्लेन से आए थे, तो वो आए थे एयरफोर्स वन एरोप्लेन है, उससे वो आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये LNG और कच्चे तेल गैस टास्क फोर्स और प्रसंस्करण अन्वेषण और शोषण में प्रौद्योगिकी गठजोड़ में ऊर्जा साझेदारी में दीर्घकालिक समझौते की परिकल्पना करता है, और 10 मिलियन टन उच्च श्रेणी के धातु कर्म कोयले की आपूर्ति, लगभग $2 बिलियन की कीमत गलाने जैसी विशेष प्रक्रियाओं के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, यात्रा के दौरान LNG पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे पर इंडियन ऑयल और एक्सॉन के बीच एक समझौता होने की भी संभावना रही है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी, मानसिक स्वास्थ्य में क्षमता सहयोग पर निर्माण कर रहे हैं, रक्षा में बौद्धिक संपदा अधिकारों और वस्तुओं की एक टोकरी पर समझौता जिसमें हेलीकॉप्टरों को अमेरिका को उच्च गुणवत्ता वाली दवा की आपूर्ति के लिए उद्योग विशेष समझौते शामिल करने की संभावना है। क्योंकि ये जब 20 को आए थे तब उन्होंने किया होगा, कल वो रुके हुए थे तो कल भी कुछ उन्होंने किए होंगे MOU, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे अगर उन्होंने कुछ भी MOU साइन किए होंगे तो। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में हम आज डिस्कस करेंगे केंद्र शासित प्रदेश JNK की, मतलब कि जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है, 1954 से 1954 से 2019 तक भारत का एक राज्य था, जो कि आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसको। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से इसे एक केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया। ये जो राज्य थे उसी की तरह एक राज्य हो गया। ठीक है, तो हमारे देश में हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये बन गया कि अगर JNK का विशेष दर्जा हट गया है, आर्टिकल 370 और 35A वहाँ से हटा दिया गया, तो अब क्या चेंजेस हुए होंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बने होंगे, पहले वहाँ पर राज्यपाल हुआ करते थे, तो अब वहाँ पर उपराज्यपाल बनेंगे, तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू।
कल जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन था कि भांग के द्वारा निर्मित करने के लिए कौन से राज्य और कौन से देश ने समझौता किया। तो कनाडा की एक इंस्टीट्यूट है उसने और JNK ने भांग के द्वारा एक दवा बनाने के लिए MOU साइन किया हुआ है। तो ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। आज भी एक JNK ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जो है पाकिस्तानी उसके इलाके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, राज्य की आधिकारिक भाषा जो है उसकी उर्दू है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की झीलें के बारे में बात करेंगे। डल झील है, बुलर झील है, वेरीनाग, मानसबल, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, ये सब जो है जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। अगर जम्मू कश्मीर के दर्रे पूछ लिए जाएंगे तो काराकोरम दर्रा, जोजीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, इसी में जवाहर सुरंग है, तो ये भी आपको याद रखना है। बुरजिल जो वनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, ठीक है। बारामूला दर्रा, ये सब झील हैं, आपको वहाँ पर दर्रे मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर की परियोजना अगर पूछी जाएंगी, सलाला परियोजना है जो चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना कई बार आई हुई है और ये झेलम नदी पर है, तुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछे जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, और कभी कभी ये नहीं आता कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। पर उसमें कौन कौन से जो जीव प्राणी हैं या जीव जंतु उनका संरक्षण किया जाता है, तो वो है तेंदुआ, भालू और हिरण। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिरण या क्या गधा का वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क भी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा, और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी पूछी जाएगी तो वो आपको मिलेगा गोवा के अंदर, ठीक है। और वारेल सालेम अली अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो वो आप बिहार में पूछ लें, बिहार में मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। अब बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन की, तो स्टैटिक पोर्शन में आप बात करेंगे विश्व बैंक की, उसके बाद हम बात करेंगे फिक्की की, ठीक है। विश्व बैंक का सिद्धांत होता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC US में। प्रथम जो प्रमुख लोग हैं वहाँ पर, डेविड मालपास जो है प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा वो CEO, पॉल रोमर जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रख लेना है। विश्व बैंक के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। प्रमुख लोग में अगर पूछे जाएंगे प्रेसिडेंट तो डेविड मालपास है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है विश्व बैंक की CEO है, अगर अर्थशास्त्री पूछे जाएंगे तो पॉल रोमर है। अब बात करेंगे फिक्की की, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में भारतीय जो महात्मा गांधी थे उनकी सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिसंबर 2016 से पंकज पटेल जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अगर महासचिव पूछा जाएंगे तो वो हैं दिलीप चुनॉय, 17 अप्रैल 2018 को इन्हें नियुक्त किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष जो हैं उदय शंकर जी भी हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि ज्योग्राफी से रहेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रह। नाइट्रिक अम्ल की मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है फिटकरी एवं सोरा। क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन सी वनस्पति आती है, तो मूली, सलजम और सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल में आ जाते हैं। स्प्रिट का रासायनिक नाम होता है मेथिल अल्कोहल, CH3COH उसका फॉर्मूला हो जाता है। डायनमो की खोज एक बार SSC में आई हुई थी जब हमने एग्जाम अटेम्प्ट किया था उस समय, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइकल फेराडे जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डायनमो की खोज की थी। पीतल किन किन घटक का मिश्रण है, तो तांबा एवं जस्ता। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्यूरल ने। मूसला जड़ के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली जो है मूसला जड़ के उदाहरण है। लार के कौन से एंजाइम उपलब्ध होते हैं, तो टाइलिन और माल्टेस एंजाइम जो है जो हमारी सलाइवा होती है जो लार होती है उसमें उपलब्ध होते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके स्पेशल नॉलेज एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और आपको अच्छा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आपको मिलती हैं। तो आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी बेनिफिट होगा, हमारे बेनिफिट होगा, ओके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको क्या करना है कि अपना ख्याल रखना है, अपने सपनों का ख्याल रखना है, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। और मन में हमेशा यही जुनून लेकर चलिएगा,
हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। हमेशा ठान कर चलिए, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ओके, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक बात और, आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम को पेज फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे ट्विटर और शेयरचैट अकाउंट और ट्विटर और शेयरचैट अकाउंट टिकटॉक हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फॉलो करना है हमें खबरी ऐप पर, वहाँ से आपको ऑडियो रिवीजन मिल जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो आप वहाँ पर भी फॉलो भी करें और ऑडियो से सुन के अपना रिवीजन प्रॉपर रूप से करते रहें, जिससे आपकी तैयारी बूस्टअप होती रहे। एंड खुश रहिए, अगेन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।